और सबसे पहले बात करेंगे गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा महोत्सव आज है और देश भर में धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। उज्जैन सहित देश भर में गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। आपको बता दें कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास का करीब 3000 वर्ष पूर्व पहले जन्म हुआ था और उनके जन्म पर ही गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की गई उनके जन्मदिन पर इस गुरु पूर्णिमा के अवसर को महत्व को मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिन गुरु की पूजा की जाती है जो ज्ञान और आत्मज्ञान के मार्ग पर व्यक्तियों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर उज्जैन सहित देश भर में लोग धूमधाम से इस दिन को मना रहे हैं। गंगा नदी पर, उज्जैन की शिप्रा नदी पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और श्रद्धा की डुबकी श्रद्धालु लगाते नजर आ रहे हैं। अलग अलग जलाशयों, अलग अलग मंदिरों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और अलग अलग जहां पर भी गंगा नदी है या फिर शिप्रा नदी हो, तमाम वो नदियां जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है और लोग आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। तो गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है आज और पूरे देश भर में धूमधाम से इस दिन को मनाया जा रहा है। अगली खबर देवास से है, जहां चातुर्मास व्रत अनुष्ठान कार्यक्रम और गुरु पूर्णिमा के मौके पर आनंद भवन पैलेस में संत श्री रावतपुरा सरकार के दर्शन करने के लिए देश प्रदेश के भक्तों का तांता लगा है। इस कार्यक्रम को लेकर आनंद भवन पैलेस में खास तैयारियां की गई हैं। पुलिस और प्रशासन के कार्यक्रम के मद्देनजर विशेष व्यवस्था भी की गई है। तो देखिए, गुरु पूर्णिमा का अवसर है आज और खासकर देवास की अगर बात कर ले तो देवास में चातुर्मास व्रत अनुष्ठान कार्यक्रम और गुरु पूर्णिमा के मौके पर आनंद भवन पैलेस में संत श्री रावतपुरा सरकार के दर्शन के लिए वहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस कार्यक्रम को लेकर आनंद भवन पैलेस में खास तैयारियां भी की गई हैं। पुलिस और प्रशासन के कार्यक्रम के मद्देनजर विशेष व्यवस्था भी है। और हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी उज्जैन से लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संतोष, उज्जैन में शिप्रा नदी में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, श्रद्धा की डुबकी लगाने पहुंचे हैं श्रद्धालु, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या माहौल वहां पर? संतोष, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? संतोष, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? संतोष, आज उज्जैन की शिप्रा नदी पर श्रद्धालु पहुंचे हैं श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए, क्या कुछ माहौल है वहां पर? तो देखिए, उज्जैन में आज श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। कल से सावन की शुरुआत भी होने वाली है और महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगने वाली है। और उससे पहले जब आज गुरु पूर्णिमा का मौका है और इस अवसर पर श्रद्धालु शिप्रा नदी में श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। संतोष हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए। संतोष, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने आसपास और क्या कुछ माहौल है वहां पर? बिल्कुल, आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव, गुरु पूर्णिमा का उत्सव पूरे महाकाल की नगरी में एक उत्सव का माहौल रहता है। जगह जगह पूजन होता है, शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाने के साथ आज उज्जैन में जब खुद स्वयं नारायण गुरु सांदीपनि से आश्रम में आकर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी, उसी परंपरा के अनुसार आज गुरु पूर्णिमा पर छोटे छोटे बाल ननुहार जो रहते हैं वो शिक्षा के गुरु मंत्र लेने आज देख दे।
हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर उनको गुरु मंत्र दे रहे हैं, जिससे ये शिक्षा में अपना उज्जवल भविष्य बना पाए, उज्जवल भविष्य के साथ शिक्षा ऐसी ग्रहण करें कि पूरे देश भर में इन छोटे छोटे बच्चों का डंक गुरु सांदीपनी में आकर गुरु श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण की थी, मित्र सुदामा ने की थी, भाई बलराम ने शिक्षा ग्रहण की थी, और तभी से यह पावन पर्व गुरु पूर्णिमा पर मनाया जाता है। जो भी पहले दिन स्कूल में अपने एडमिशन लेने जाता है उनको 3 गुरु मंत्र दिए जाते हैं, उसके बाद उन बच्चों का उज्जवल भविष्य हो जाता है। पंडित जी, आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, उज्जैन में तो अलग ही जगह हुआ है, शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगा रही है, महाकाल में श्रद्धा सुमन चढ़ा रहे हैं, गुरु सांदीपनी में तो गुरु मंत्र लेने हैं, क्या महत्व है इस बात? ये भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनी ऋषि का आश्रम है, यहाँ पर स्वयं नारायण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ शिक्षा ग्रहण करने आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण का गुरु सांदीपनी जी ने सबसे पहले विद्या आरंभ संस्कार किया था, उसी के बाद उनकी पढ़ाई शुरू हुई थी, क्योंकि 16 संस्कार में एक संस्कार होता है। मनुष्य ने यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप में जन्म लिया था तो उनके संस्कार होना आवश्यक थे, तो उन्होंने यहाँ पर सांदीपनी ऋषि के आश्रम में 16 आरंभ संस्कार कराया था, जो कि आज बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे दूर दूर देश विदेशों से आते हैं और अपना विद्या आरंभ संस्कार कराते हैं, उसी के बाद ये अपने जो भी पालक गण हैं वो अपने बच्चों को स्कूल और स्कूल वगैरह में डालते हैं। लेके खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण ने भी स्लेट पूजन यहीं से प्रारंभ किया था, क्या गुरु मंत्र है और इन 3 गुरु मंत्रों का क्या महत्व रखते हैं? ये सबसे पहले प्रमुख जो 3 मंत्र है जो आज भी हम स्लेट पर लिखाते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनी जी से सीख कर लिखे थे, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। ये वो 3 पावन पवित्र मंत्र है जिससे बच्चों का विद्या आरंभ संस्कार होता है। क्योंकि अभी कलयुग है, कलयुग के कारण जो बच्चों की जो पढ़ाई है वो अभी ABCDE 1 2 3 4 5 और क ख ग घ ण ये 5 अक्षर ये भी लिखवाए जाते हैं। नई पद्धति आती है और नई नई शिक्षा होती है। और बिल्कुल 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 संतोष, तो संतोष यहाँ पर ऋषि सांदीपनी के आश्रम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पहुंचे, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये गुरु मंत्र ले रहे हैं। हमारे सहयोगी पुनित विजय वर्गीय हमारे साथ देवास से जुड़ गए हैं। पुनित, देवास में खास महोत्सव चल रहा है, चातुर्मास व्रत अनुष्ठान चल रहा है और इस दौरान क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकल कर सामने आ रही है, हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, रावतपुरा सरकार महाराज साहब स्वयं मौजूद हैं और नरसिंह ये हवन इस वक्त हो रहा है, मंच पर मौजूद है महाराज साहब, आप देख सकते हैं लगातार कमल के पुष्प डालकर और यह अनुष्ठान किया जा रहा है। हजारों की संख्या में जो रावतपुरा सरकार महाराज साहब हैं उनके भक्त और श्रद्धालु यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। चतुर्मास के लिए 5 दिन पहले ही रावतपुरा सरकार महाराज देवास पहुंचे हैं, उसके बाद से ही लगातार भक्तों का देवास में आना शुरू हो चुका था और गुरु पूर्णिमा का जो विशेष अवसर है उसके लिए तो यहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। 8 बजे से यह अनुष्ठान शुरू हुआ है जो लगातार जारी है और आप देखेंगे तो माहौल काफी अच्छा यहाँ पर बना हुआ है। जो डोम है, डोम में 2 हिस्से बनाए गए हैं जिसमें महिलाओं के लिए अलग हिस्सा है और पुरुषों के लिए अलग हिस्सा रखा गया है। और देखिए उनके जितने भी श्रद्धालु हैं सब सर पर उनके गमछा बंधा हुआ रहता है और वो सब यहाँ पर आपको नज़र भी आएगा, वाइट गमछे में एक जैसे लोग सब नज़र आते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के इस पर्व का अवसर का लोगों को बड़ी इंतज़ार रहता है और अपने पूज्य गुरुदेव का आराधना करने के लिए पहुँचते हैं। अनुष्ठान इस वक्त देखिए समाप्त हो चुका है और गुरुदेव उठ भी चुके हैं, तो काफ़ी देर से यह अनुष्ठान चल रहा था। इस अनुष्ठान की खासियत यह है कि इसमें भगवान नरसिंह के 1000 नामों के साथ अनुष्ठान किया जाता है, नरसिंह अनुष्ठान इसे कहा जाता है। और मंच पर आप देखेंगे तो देवास महारानी विधायक गायत्री राजे पवार मौजूद हैं, साथ में महाराज विक्रम सिंह पवार भी नजर आ रहे हैं, ये मुख्य यजमान इस कार्यक्रम के हैं। लगातार अनुष्ठान जारी है, गुरुदेव अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पहुंचे हैं और तमाम जो उनके भक्त श्रद्धालु हैं वो भी
दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु का दर्शन मात्र से ही लोगों का जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे में इतने बड़े अच्छे अनुष्ठान में शामिल होना तो अपने आप में और भी अधिक लोगों के लिए सुकून की बात रहती है। तो ये दिन भर कार्यक्रम चलते रहेंगे, आज दिन भर अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद में बड़ा यज्ञ भी यहाँ पर किया जाएगा और जितने भी श्रद्धालु आए हैं रावतपुरा सरकार महाराज जी के, उन सब के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। नरसिंह अर्चन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है जो अभी हाल समाप्त हुआ है। नरसिंह अर्चन अपने आप में खासा अलग यह अनुष्ठान होता है और इस कार्यक्रम का कवरेज करने के लिए हम पहुंचे हैं। तो नरसिंह अनुष्ठान अर्चन देखकर हम लोग खुद भी कहीं ना कहीं सौभाग्य तो प्राप्त होता ही है। तो गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पर गुरुदेव के दर्शन हो जाना मात्र ही अपने आप में काफ़ी बड़ा होता है। आज का दिन तो वैसे ही बहुत विशेष है। तो बिल्कुल पुनीत, आज का दिन बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे में हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी उज्जैन से जुड़े हुए थे। पुनीत विजयवर्गीय देवास से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किस तरह से उज्जैन में एक और जहाँ महर्षि सांदीपनी के आश्रम में छोटे छोटे बच्चे पहुंचे हैं तो वहीं दूसरी ओर देवास में चातुर्मास अनुष्ठान कार्यक्रम हो रहा है। बहुत शुक्रिया पुनीत और संतोष तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ अन्य खबरों की कर लेते हैं। रीवा में जमीन विवाद में महिलाओं पर दबंगों का कहर बरपा है। मनगवा के हिनौता गाँव में जमीनी विवाद में महिलाओं से मारपीट की गई। हाईवा से महिलाओं पर मुरुम डालकर हत्या की कोशिश की गई और महिलाओं पर जेसीबी चढ़ाने की भी कोशिश हुई है। जमीनी विवाद के बावजूद दबंगों की तरफ से सड़क निर्माण किया जा रहा था और घायल महिलाओं को अस्पताल में अब भर्ती करा दिया गया है। तो देखिए, रीवा में जमीन विवाद को लेकर महिलाओं पर दबंगों का कहर बरपा। जहां पर मनगवा के हिनौता गांव में जमीनी विवाद में महिलाओं से मारपीट की गई और हाईवा से महिलाओं पर मुरुम डालकर हत्या की कोशिश भी की गई। महिलाओं पर जेसीबी चढ़ाने की भी कोशिश की गई। आपको बता दें कि जमीनी विवाद के बावजूद दबंग यहां पर सड़क का निर्माण कर रहे थे, जिसको लेकर यहां पर जो महिलाएं हैं वो पहुंची थी इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए और इसी के बाद ये पूरा मामला सामने आया और जमीन विवाद में महिलाओं पर दबंगों का कहर देखने को मिला है। हालांकि महिलाएं अभी अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे सहयोगी विवेक तिवारी लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ है ये पूरा मामला। विवेक, क्या है ये पूरा मामला, किस वजह से दबंगों ने इस तरह से महिलाओं पर अत्याचार किया है? बिल्कुल, ये जमीनी विवाद है और कई दिनों से ये चल रहा था। जब दो महिलाएं ममता पांडे और आशा पांडे इसका विरोध कर रही थी, वो बैठी हुई थी कि यहाँ पे रोड का निर्माण नहीं होगा, लगातार विरोध कर रही थी। इसके बाद जिस तरह की तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली हैं, क्योंकि उन दोनों ही महिलाओं पर मुरुम से डंफर से मुरुम गिरा दी गई और वो नीचे दब गई। गनीमत इस बात की रही कि वहां पर कुछ लोग मौजूद थे, वो तत्काल वहां पर पहुंचते हैं और महिलाओं को बाहर निकाल लिया जाता है। हालांकि उनकी हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है, लेकिन अगर वो लोग नहीं पहुंचते तो शायद बड़ी घटना भी हो सकती है। तो दबंगई की ये तस्वीरें मनगवा क्षेत्र, रीवा के मनगवा क्षेत्र के हिनौता गांव से आई हैं, जहां पर सरहंगों के द्वारा महिलाओं को जिस तरह मुरुम में दबाने की कोशिश की गई है। और क्योंकि ये जमीनी विवाद था, कई समय से रोड का निर्माण चल रहा था और ये बताया जाता है, जो पुलिस ने बताया कि निर्माण को लेकर आपस में मतभेद सामने आ रहे थे। महिलाएं ये लगातार ये कह रही थी कि ये उनकी जमीन है और यहाँ पे रोड नहीं बनेगी, लेकिन लगातार इसका विरोध करने के बाद भी जब उनको महिलाएं वहां से नहीं हटी और डटी ही रह गई, तो मुरुम से वहां उनको दबाने की कोशिश की गई, साथ ही जेसी भी चढ़ाने की भी कोशिश की गई। तो गनीमत इस बात की रही कि वहां पे कुछ लोग पहुंच गए, उन्हें बाहर निकाला और फिलहाल उन्हें भर्ती कराया गया है। लेकिन ये तस्वीरें डराती हैं, क्या मतलब कि बेखौफ हो चुके हैं ये लोग, दबंग इतना बेखौफ हो चुके हैं कि उनको पुलिस प्रशासन और किसी का डर ही नहीं रहा कि सीधे दबा दिया। मतलब बहुत डराने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। बिल्कुल विवेक, दबंग इतने बेखौफ हैं कि सीधे इन महिलाओं पर इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या कुछ रुख लेती है और क्या कुछ कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए आपका।